गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लास में आपका काफ़ी स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक नया प्रैक्टिकल, बड़ा ही आसान है, आप पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे। उसका नाम क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान होता क्या, सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है दो आप सॉल्ट लेंगे, दो आयनिक कंपाउंड लेंगे, आपस में जब ये कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के मतलब इसके आयन्स कंबाइन करेंगे, आयन का एक्सचेंज होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी आयनिक कंपाउंड, जैसे मैं बात कर रहा हूँ लिया हूँ बैरियम क्लोराइड, तो इसमें दो आयन्स हैं आपका Na2+ आयन और Cl- क्लोराइड आयन, और एक लिया पोटासियम सल्फेट इसमें K+ है और SO4 2- है। तो इसके आयन के एक्सचेंज होगा, जैसे कि इसका आयन इसके साथ और इसका आयन इसके साथ, जैसे इसका बैरियम क्लोराइड है तो Ba2+ प्लस वाले इसके साथ कंबाइन करें इसके माइनस के साथ, समझ रहे हैं? इसका माइनस क्या है? पोटासियम सल्फेट का माइनस क्या है? K+ और SO4 2-। इसके मतलब इसका जो प्लस है Ba2+ कंबाइन करेगा सल्फेट के साथ तो क्या बनाएगा? बैरियम सल्फेट। अब इसका जो क्लोराइड आयन है Cl- K+ के साथ कंबाइन करने के बाद क्या बनाएगा? आपका पोटासियम क्लोराइड बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ आयन के एक्सचेंज ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सचेंज होता है, आयन का एक्सचेंज होता है, उसी के दौरान एक इनसॉल्युबल सॉल्ट का निर्माण होता है। इनसॉल्युबल जो वाटर में इनसॉल्युबल सॉल्ट का निर्माण होगा, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट का निर्माण कैसे जानेंगे कि दैट इज द इनसॉल्युबल सॉल्ट का एक फॉर्मेशन हो गया? चलिए चैनल पर बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, बहुत मजा आएगा। किस तरह से हम बताएंगे आपको, किस तरह से पता चल जाएगा कि इनसॉल्युबल सॉल्ट ये इनसॉल्युबल सॉल्ट एक तैयार हुआ है तो आपस में जो सॉल्ट रिएक्ट किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसके लिए बनाता हूँ दो सॉल्यूशन, एक मैं बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना रहा, जैसे बैरियम क्लोराइड मैंने ले लिया, थोड़ा सा ही लिया बैरियम क्लोराइड, यहाँ पर देखिए बैरियम क्लोराइड यहाँ पर ले लिया। और बैरियम क्लोराइड लेने के बाद क्या करना है, इसमें ध्यान देंगे, बैरियम क्लोराइड लेने के बाद इसमें वाटर लेंगे। मैं एक्वा सॉल्यूशन इसका मैंने बना रहा हूँ, ध्यान देंगे आप, इसका जो एक्वा सॉल्यूशन मैं इसका बनाया बैरियम क्लोराइड, ध्यान देंगे ये रहिए एक्वा सॉल्यूशन और बैरियम क्लोराइड, समझ में आ रही? ये बन के यहाँ पर मैंने यहाँ रखा है, तो बैरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन तैयार कर लिया। मैं दूसरा टेस्ट ट्यूब ले रहा हूँ जिसमें कि पोटासियम सल्फेट में क्या लूँगा, पोटासियम सल्फेट, तो पोटासियम सल्फेट मैंने यहाँ पे इससे ले लिया। आप देख रहे हो क्लियरली पोटासियम सल्फेट दोनों वाइट कलर के सॉल्ट है। एक्चुअली जो सॉल्ट हमको मिलता है जब लैब परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल लेते हैं, वाइट सॉल्ट देता है, तो वाइट सॉल्ट देने से ये होता है कि पता नहीं कर पाइएगा कौन सा सॉल्ट है। कलर सॉल्ट आप देख के बता सकते हो, कॉपर सल्फेट है तो ब्लू कलर है, समझ रहे हो? तो जैसे कि आयरन सल्फेट है तो लाइट ग्रीन है, इस तरह से बता सकते हो अगर कलर सॉल्ट दे दिया जाएगा। लेकिन वाइट सॉल्ट अगर दे दिया पता ही नहीं चलता है, तो वाइट होता है सोडियम क्लोराइड भी, वाइट हो गया पोटासियम सल्फेट भी, वाइट बैरियम क्लोराइड भी। तो देखिए यहाँ भी एक सोल्यूशन मैं बना रहा, एक पोटासियम सल्फेट का दोनों का सोल्यूशन मैं बना दिया, यहाँ पर बन गया आपका किसका सोल्यूशन, ये बैरियम क्लोराइड पोटासियम। आपस में हम क्या करते हैं, इसको कॉम्बाइन करेंगे, आपस में क्या करेंगे, इसको कॉम्बाइन करेंगे। कहता है कॉम्बाइन करने के बाद अगर वाइट, देखिए देखने को मतलब है क्या आएगा, ठीक है, तब मैं बताऊंगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम भी क्या होता है, ठीक है। तो पहले आप देखें इसको ऑब्जर्व करें, यहाँ देख रहे हैं एक एकदम क्या बन रहा है, वाइट कलर, ठीक है, वाइट कलर देख रहे हैं, थोड़ा गहरा वाइट, जो गहरा वाइट जो बना हुआ है वो जाके टेस्ट ट्यूब के नीचे में थोड़ी देर बाद ये बैठ जाएगा, तुरंत नहीं, थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे हम, आप चैनल के साथ बने रहेंगे कि पानी इसका ऊपर हो जाएगा और जो पार्ट्स है जम जाएगा नीचे में जाके डिपॉजिट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, और जो सॉलिड फॉर्म में जो जाके जमा होगा वही इनसॉल्युबल सॉल्ट का निर्माण होगा। जैसे कि क्या जमा होगा, बैरियम सल्फेट, ठीक है, अगर बैरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है पोटासियम सल्फेट के साथ तो बैरियम सल्फेट बनाएगा विच इज़ इनसॉल्युबल। देखते हो कि जब भी केमिकल रिएक्शन के नीचे एरो नीचे रहता है, नीचे की ओर एरो रहे इस तरह से, समझ जाइए कोई चीज़ नीचे बैठ रहा है, निकल नहीं रहा। तो ये इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ कि ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि पानी ऊपर और ये नीचे, ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ से रखा इस तरह से, ध्यान देंगे यहाँ पर। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आप देखेंगे कि पानी ऊपर आ चुका है और मतलब सेपरेट हो गया, तो जैसे इनसॉल्युबल सॉल्ट बना तो वो वाइट कलर का जो सॉलिड सब्सटेंस नीचे जाके जमा हो गया, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस
दैट इज कॉल्ड, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, इन शॉर्ट बोल सकते हैं पीपीटी, इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं पीपीटी, ऐसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और इस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या होगा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होगा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अदर अनदर नेम ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब इसलिए बोला जाता है कि प्रेसिपिटेट बनता है सॉलिड फॉर्म में जाके नीचे डिपॉजिट हो जाता है, उसी को बोलते हैं पीपीटी, जो कि इनसॉल्युबल होता है। समझ रहे बात को? तो आई थिंक आपको इस सारी कहानी समझ में आ गई है और लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन बड़ा आसान से। तो देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल, देखेंगे आप कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए कि नीचे जमा हो गया और ऊपर पानी क्या हो रहा है। देखिए पानी ऊपर हो गया और इनसॉल्युबल सब्सटेंस नीचे हो गया, पानी ऊपर और इनसॉल्युबल सब्सटेंस नीचे हो गया। तो इससे क्या हुआ आपका, ये पता चल रहा है कि नीचे जो बैठा हुआ है सॉलिड फॉर्म में, यही है इनसॉल्युबल सॉल्ट बैरियम सल्फेट का निर्माण हुआ। जब बैरियम क्लोराइड और पोटासियम सल्फेट आपस में कंबाइन किया तो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बना है बैरियम सल्फेट, जो कि इस ट्यूब के नीचे दिख रहा है आपको और पानी ऊपर दिख रहा है, सेपरेट हो गया है। आई थिंक क्लियरली आपको समझ में आएगा व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई नए थ्योरी के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नए प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।